हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जैकोबियन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 11th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ यू इक्वल्स टू 2xy, वी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, देन कंप्यूट डेल यू वी बाय डेल आर थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज और वही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे जो हमने जैकोबियन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका जैकोबियन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहां पे चेक करेंगे कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे, यहां पे चार इक्वेशंस दी है। पहले इक्वेशन यू का है, दूसरा इक्वेशन वी का है, तीसरा एक्स का है और चौथा वाई का है। अगर आप पहले इक्वेशन को देखें तो यहां से समझ में आता है कि u इज अ फंक्शन एंड x एंड y आर द वेरिएबल। दूसरे इक्वेशन में समझ में आता है कि v इज अ फंक्शन एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स। इसका मतलब यह है कि पहले दो इक्वेशन से समझ में आता है कि u एंड v आर द फंक्शंस एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स। और अब बाकी की जो दो इक्वेशंस है उसको अगर हम चेक करेंगे तो थर्ड इक्वेशन से समझ में आता है कि x इज अ फंक्शन एंड r एंड थीटा आर द वेरिएबल्स। और फोर्थ इक्वेशन से समझ में आता है कि y इज अ फंक्शन एंड r एंड थीटा आर द वेरिएबल्स। इसका मतलब ये दोनों के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि x एंड y आर द फंक्शंस एंड r एंड थीटा आर द वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है, अगर ये चारों को अगर कंबाइन किया जाए, इट मीन्स ये चारों के थ्रू अगर कोई कंक्लूजन निकाला जाए तो ये होता है कि u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा। इसका मतलब यहां पे एक चेन तैयार हो रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक चेन तैयार करना पड़ेगा, देन वो चेन में आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा और चेन रूल अप्लाई करके आपको फिर ये जैकोबियन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट डेल यू वी बाय डेल आर थीटा, इसका मतलब फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें वो चेन तैयार करना पड़ेगा। तो चलो हम वो चेन बनाएंगे, लेकिन चेन बनाने के पहले एक काम करते हैं, ये सभी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो चलो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है u, वो हम यहां लिख लेंगे। u दिया हुआ है ट्वाइस एक्स वाई एंड v दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों में x एंड y आर द वेरिएबल्स है, तो ऐसे में ये दोनों को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो जब आप u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको यहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज डेल u बाय डेल x। ठीक है, तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का यहां पे डिफरेंशिएशन 1 और क्या बचेगा, ये बचेगा ट्वाइस y। ठीक है, तो हमने इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया, इसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे, डेल v बाय डेल x इक्वल्स टू, तो यहां पे जो है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, वाई स्क्वायर का नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस एक्स, इस तरह से। और अब इन दोनों को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो ये हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज डेल यू बाय डेल वाई। जब आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स जो है वो कांस्टेंट है, तो वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ट्वाइस एक्स यहां पे एज इट इज बच जाएगा। और यहां पे जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज डेल v बाय डेल y इक्वल्स टू, तो यहां पे y स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस y, x स्क्वायर जो है उसका जीरो हो जाएगा क्योंकि x यहां पे कांस्टेंट है, तो ये हम यहां लिख लेंगे माइनस ऑफ ट्वाइस y, y स्क्वायर का ट्वाइस y और उसके पहले का माइनस, इस तरह से। फाइनली हमने u एंड v को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब एक काम करता है, अब जो रिमेनिंग दो इक्वेशंस है उनको लेंगे और उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। तो यहां पे हम यहां पे ऐसा लिखेंगे, एंड दूसरी इक्वेशंस क्या दी है, एक्स दिया है आर कॉस ऑफ थीटा एंड वाई दिया है आर साइन ऑफ थीटा। चलो इनको अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, क्योंकि यहां पे आर एंड थीटा यहां पे वेरिएबल्स है। तो जब आप इसको आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम ऐसा लिखेंगे डेल एक्स बाय डेल आर, देखो डेल एक्स बाय डेल आर, ऐसे में वाई जब आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पे आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कॉस थीटा जो है वो एज इट इज बचेगा, ओनली कॉस थीटा। ठीक है, आर का डिफरेंशिएशन 1, कॉस थीटा जो है वो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो डेल वाई बाय डेल आर
इक्वल्स टू, यहां पे फिर से r का डिफरेंशिएशन 1 और sin थीटा कांस्टेंट है तो ये एज इट इज बचेगा। तो ये देखिए फाइनली फाइनली हमने क्या किए, ये दोनों को r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए। अब ये दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहां लिखेंगे, यहां जगह कम है नीचे तो ये हम यहां लिख लेंगे दैट इज डेल एक्स बाय डेल थीटा इक्वल्स टू। तो ऐसे में r जो है वो कांस्टेंट है तो r एज इट इज रहेगा, लेकिन cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो हम यहां लिख लेंगे माइनस r साइन ऑफ थीटा इस तरह से। और अब चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो ये हम यहां लिख लेंगे डेल y बाय डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ठीक है। r कांस्टेंट है, r एज इट इज रहेगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो ये हम यहां लिख लेंगे ओनली दैट इज r cos ऑफ थीटा। तो फाइनली हमने क्या किए, हमने गिवन चारों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर लिया है और चारों को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। देखो ये डेल यू बाय डेल एक्स, ये डेल वी बाय डेल एक्स ठीक है, देन ये डेल यू बाय डेल वाई, और जस्ट अ मिनट ये सभी को हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये सभी आगे चल के हमें चेन रूल का जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें हमें पुट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जैसा हमने कहा कि आपको चेन तैयार करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस और वेरिएबल के थ्रू चेन बनती है। तो ये देखिए फिलहाल ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए, अब चलो यहाँ पे चेन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ फ्रॉम द गिवन फोर इक्वेशंस, नाउ फ्रॉम द गिवन फोर इक्वेशंस ठीक है, नाउ फ्रॉम द गिवन फोर इक्वेशंस वी कैन से, ऐसा हमें लिखना है वी कैन से यू वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देखो एंड एक्स वाई आर द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। देखो ये हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है, ऐसा आपको एग्जाम में भी स्टेटमेंट लिख लेना है। स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि यू वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑफ आर थीटा, सो वी कैन मेक चेन। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक चेन बनाएंगे, तो चेन कुछ ऐसी बन जाएंगी, देखो u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड x एंड y आर द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। देखो इस तरह से ये हमने चेन यहां पे तैयार कर लिए हैं। अब हमें बस क्या करना है, ये चेन में हमें चेन रूल अप्लाई करना है। तो ये देखिए सो यहाँ पे हमने लिखे हैं सो वी कैन मेक चेन, तो ये देखिए हमने यहाँ पे चेन तैयार कर ली है, यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। तो चलो हम यहाँ पे चेन रूल यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, सो देयर फोर बाय चेन रूल और अब हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे चेन रूल ऑफ जैकोबियन ठीक है, क्योंकि अभी जो है हम जैकोबियन ये टॉपिक में है तो जैकोबियन का चेन रूल हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करना है जरा आप समझ लो इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको क्या करना है, यू वी से डायरेक्टली आपको आर थीटा की तरफ यहाँ पे चलना है, यू वी से आर थीटा, तो ये कुछ ऐसा हम लिख लेंगे डेल यू वी, इट मीन्स डेल यू वी बाय डेल आर थीटा। देखो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, इसका मतलब जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, पहले हमने ये स्टेटमेंट लिख लिए ठीक है, यू वी से आपको डायरेक्ट आर थीटा की तरफ यहां पे चलना है, तो जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा ओके। और अब हम यहां पे स्टेप वाइज चलेंगे, यू वी से एक्स वाई जाएंगे, एक्स वाई से आर थीटा जाएंगे, पहले हम क्या किए, पहले हमने यहां पे डायरेक्ट गए यू वी से डायरेक्ट आर थीटा गए, तो ऐसा अब इक्वल्स टू, अब हम यहां पे स्टेप वाइज चलने वाले हैं यू वी से एक्स वाई, तो ये हम यहां लिख लेंगे जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये देखिए ऐसे जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इंटू, अब जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, तो हम यहां लिख लेंगे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। ये देखिए फाइनली हमने जो गिवन जो हमने यहां पे चेन जो बनाए थे वो चेन में हमने चेन रूल अप्लाई कर लिया है, चेन रूल ऑफ जैकोबियन, और चेन रूल अप्लाई करने के बाद ऐसा हमें यहां पे स्टेटमेंट मिला है जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा इक्वल्स टू जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। अब हमें बस यहाँ पे क्या करना है, ये सभी का डिटर्मिनेंट तैयार करना है, इतना तो कंफर्म है। देखो लेफ्ट साइड में अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे कंप्यूट करने के लिए कहा है क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट, इट मीन्स हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है,
तो यहां पे डेल यू वी बाय डेल आर थीटा जो फाइंड आउट करना है वो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें जो भी करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में सॉल्व करने के लिए यहां पे क्या है, तो ये है जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और ये है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो इनका डिटर्मिनेंट यहां पे तैयार करना है क्योंकि जैकोबियन सॉल्व करते समय उसको डिटर्मिनेंट में लिखना होता है, तो ये हम यहां लिख लेंगे। तो यहां पे कितने डिटर्मिनेंट होंगे, तो यहां पे दो डिटर्मिनेंट बनने वाले हैं क्योंकि यहां पे दो बार जैकोबियन है इसीलिए। ठीक है, तो चलो हम पहले पहला वाला जो डिटर्मिनेंट है वो हम तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है तैयार करना, देखो क्या लिखा है, डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई। तो ऐसे में यहां पे स्टेप वाइज चलो, तो आपको ऐसा करना है, देखो डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई, देखो हम यहां लिख ले डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, ये पहला रो बन गया। और अब डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, तो हम यहां लिख लेंगे डेल वी बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई। तो ये देखिए फाइनली हमने यहां पे क्या किए, यहां पे जैकोबियन का जो डेफिनेशन है वो हमने यहां पे अप्लाई किए हैं और इस तरह से ये हमने डिटर्मिनेंट बना लिए। बिल्कुल सेम तरीका आपको यहां पे करना है, यहां पे है डेल एक्स वाई बाय डेल आर थीटा, ऐसे में आपको क्या करना है डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा। तो हम ऐसा लिखेंगे डेल एक्स बाय डेल आर और फिर डेल एक्स बाय डेल थीटा। बिल्कुल उसी तरह से डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा, तो हम लिख लेंगे डेल वाई बाय डेल आर और फिर डेल वाई बाय डेल थीटा। इस तरह से ये हमने सेकंड डिटर्मिनेंट भी तैयार कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें बस क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट में इनका वैल्यू जो है वो यहां पे पुट करना है। सभी का वैल्यू हमें पता है, सभी को ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा है। देखो यहां पे हमें पुट करना है डेल यू बाय डेल एक्स, देखो डेल यू बाय डेल एक्स ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किए थे, ये देखो ट्वाइस वाई, वो हम यहां पुट कर लेंगे। डेल यू बाय डेल वाई ये भी हमने फाइंड आउट किए थे, देखो ट्वाइस एक्स, वो हम यहां पुट कर लेंगे। इसी तरह से सभी का वैल्यू ऑलरेडी हमने ये फाइंड आउट करके रखा है, सभी वैल्यू जो है वो हम यहां पे पुट कर लेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि फिर उसका वैल्यू उसके थ्रू क्या आता है। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे इज इक्वल टू, देखो अब हम सीधा राइट हैंड साइड यहां पे लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है वो अभी हम यहां पे नहीं लिखते हैं क्योंकि यहां पे जगह कम है। ठीक है, सिर्फ जो राइट हैंड साइड है वो हम यहां पे लिख रहे हैं। तो देखो हम राइट हैंड साइड के दोनों डिटर्मिनेंट जो है वो यहां पे तैयार कर लेते हैं। तो पहले देखो क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स है ट्वाइस वाई, तो हम ये लिख लेंगे दैट इज ट्वाइस वाई। देन डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई है दैट इज ट्वाइस एक्स, तो ये हम यहां लिख लेंगे दैट इज ट्वाइस एक्स। देन आफ्टर डेल वी बाय डेल एक्स, देखो नीचे डेल वी बाय डेल एक्स, तो डेल वी बाय डेल एक्स है देखो ट्वाइस एक्स और डेल वी बाय डेल वाई है माइनस ट्वाइस वाई, तो ये हम यहां लिख लेंगे ट्वाइस एक्स माइनस ऑफ ट्वाइस वाई। तो ये पहला डिटर्मिनेंट यहां पे बन चुका है, पहला डिटर्मिनेंट में हमने सभी का वैल्यू यहां पे पुट कर लिया है और अब इनटू दूसरा डिटर्मिनेंट हमें तैयार करना है। पहला डिटर्मिनेंट बन गया, दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या करना है, डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा की वैल्यूज पुटअप करना है। देखो डेल एक्स बाय डेल आर ये हमने फाइंड आउट किए थे कॉस थीटा और डेल एक्स बाय डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा, तो वो हम लिख लेंगे। तो ये हम यहां लिखेंगे पहला वैल्यू क्या है दैट इज कॉस ऑफ थीटा और फिर डेल एक्स बाय डेल थीटा जो कि है माइनस आर साइन थीटा और यहां डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर लेंगे। देखो इस तरह से पहला रो बन गया और अब सेकंड रो में डेल वाई बाय डेल आर, देखो डेल वाई बाय डेल आर ये है जो कि साइन थीटा है, तो हम यहां लिख लेंगे साइन थीटा। ठीक है, और फिर डेल वाई बाय डेल थीटा जो कि है आर कॉस थीटा, तो ये हम यहां लिख लेंगे आर कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से फाइनली हमने यहां पे क्या किए, हमने सभी का वैल्यू डिटर्मिनेंट में पुट कर लिया है और अब बस क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, जैसा हमने कहा था बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो राइट हैंड साइड में और इसको तब तक सॉल्व करो जब तक ये रिड्यूस हो रहा है और फिर इसके थ्रू इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो देखते हैं ये कहां तक एक्सटेंड होता है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका काफी आसान है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ फोर वाई स्क्योर, माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्योर। ठीक है, इस तरह से ये पहला डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया है, इसको ब्रैकेट में देंगे इनटू। अब दूसरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आर कॉस स्क्योर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस थीटा है तो कॉस स्क्योर थीटा हो गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आर कॉस स्क्योर थीटा इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। और अब फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो ये प्लस हो जाएगा आर
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा देखो इस तरह से, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो कॉस थीटा आर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे प्लस क्यों आया, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह से। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे ये दोनों में से कॉमन ले लो, यहां पे माइनस फोर कॉमन ले लो, यहां पे माइनस फोर हमने कॉमन ले लिए, और क्या बचेगा, यहां पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बचेगा, ठीक है, हमने माइनस फोर कॉमन ले लिए। और अब यहां पे आर कॉमन ले लो, आर अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, और अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखो इस तरह से। अब यहां पर क्या हो सकता है, माइनस फोर, अब यहां पर ये फिलहाल एज इट इज रखो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, और ये हो जाएगा वन, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो इसके जगह हमने यहां लिख लिए वन। और अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो गया माइनस फोर आर, देखो ये जो आर है वो हमने यहां बाहर ले लिए, माइनस फोर आर, और अब यहां पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो चलो यहां पे वाई और एक्स की वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। देखो वाई और एक्स की वैल्यू क्या है, देखो वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, तो यहां पर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह हम यहां लिख लेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो इस तरह से, प्लस अब एक्स स्क्वायर मतलब ये आर कॉस थीटा, तो हम यहां लिख लेंगे यहां पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो ये स्टेप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम यहां लिख लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए y और x की वैल्यूज पुट अप कर लिए। देखो y स्क्वायर यहां लिखा है, तो y मतलब क्या होता है, तो y मतलब होता है r sin थीटा, तो y स्क्वायर है तो ये r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और x का स्क्वायर है, तो ये जो x है इसका स्क्वायर करना है, तो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वो हमने किए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अब इसको और सॉल्व करो, और ये सॉल्व हो सकता है, देखो अब ये दोनों में से r स्क्वायर कॉमन है, तो हम यहां पे कॉमन ले लेंगे माइनस फोर आर इंटू आर स्क्योर, और अब यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा साइन स्क्योर थीटा, जस्ट मिनट, यहां पे पहला टर्म साइन का रहेगा, तो साइन स्क्योर थीटा प्लस दूसरा टर्म रहेगा कॉस स्क्योर थीटा। देखो इस तरह से हमने आर स्क्योर बाहर कॉमन ले लिए, और जो ब्रैकेट में बचा है वो रख दिए। अब ये साइन स्क्योर थीटा प्लस कॉस स्क्योर थीटा क्या होता है, वन, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा वन, और क्या बचेगा, ये ऐसा बचेगा, दैट इज माइनस फोर आर क्यूब इंटू वन, देखो इस तरह से। और लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पे लिख सकते हैं, चलो यहां पे नीचे में लिख लेते हैं, देयर फोर डेल यू वी बाय डेल आर थीटा इक्वल्स टू, क्या हमें रिजल्ट क्या मिला, माइनस फोर आर क्यूब, देखो हमें ऐसा मिला माइनस फोर आर क्यूब, हमने यहां तक रिड्यूस कर लिए, और ये रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, और ये कुछ भी सॉल्व नहीं होता, तो फाइनली ये हमें पर्टिकुलर गिवन जैकोबियन का रिजल्ट मिल चुका है, माइनस फोर आर क्यूब क्वेश्चन में लिखा था, फाइंड द दैट इज कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डेल यू वी बाय डेल आर थीटा, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, और प्रॉब्लम फाइनली यहाँ कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था जैकोबियन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।